हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो आपको क्या फाइंड करनी, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, बिकॉज वी नो दैट इन आइसोस्केलस ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल। यानी इन आइसोस्केलस जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या होती है, दो साइड्स हमेशा इक्वल होती है। तो इसलिए कह रखा है कि द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो दो इक्वल साइड्स है वो आपको फाइंड करनी है। और एक ऑलरेडी गिवन है ना, द बेस गिवन है, तो वो भी एक साइड है। तो बेस तो गिवन है ऑलरेडी 4/3 सेंटीमीटर, और पैरामीटर भी गिवन है। फर्स्टली वी राइट डाउन गिवन क्वांटिटी इज, फर्स्ट इज पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन इक्वल टू 2/15, एंड वी कैन राइट दिस 15 4 60 प्लस 2 62/15 इज गिवन सेंटीमीटर, इज गिवन पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज गिवन बेस, बेस इज गिवन 4/3 सेंटीमीटर, राइट, बेस इज गिवन 4/3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सिंस द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सिंस द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में जो पैरामीटर होता है उसकी थ्री साइड्स के सम के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसी हमें पता है, तो सम ऑफ थ्री साइड इक्वल्स टू फर्स्ट साइज हमने ओके सम ऑफ एन ओके ठीक है, ये तो हमने गिवन है, ये हमने गिवन जो क्वांटिटीज है वो हमने लिख दी। लेट अब नाउ लेट लेट द वन लेट द वन साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है, सिंस वन साइड ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। जब हमने ट्रायंगल की एक साइड जो है, जो दो इक्वल साइड्स हैं उसमें से हमने एक साइड को एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। तो वन साइड्स ऑफ इक्वल एक्स, देयरफॉर अनदर साइड विल बी एक्स, राइट, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पूरा रीजन लिख दिया। मैंने कहा देखो बेस गिवन है, क्वेश्चन गिवन बेस गिवन है, बेस गिवन है, एंड सेकंड हमने एक ट्रायंगल की जो साइड है उसको एक्स सपोज करा, देयरफॉर सेकंड साइड भी एक्स ही होगी, यानी टू साइड्स एक्स होंगी, बिकॉज दिस इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। इन आइसोस्केलस ट्रायंगल में पता है प्रॉपर्टी, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल में पता है कि दो साइड्स हमेशा इक्वल होती है। तो हमने कहा कि अगर हमने एक एक्स सपोज करी तो दूसरी भी एक्स होगी, तीसरी हमारा बेस होगा। तो देयरफॉर एक्स प्लस बेस इक्वल टू पैरामीटर, आई थिंक गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2 यानी 62/15 होगा या नहीं होगा। देखो अगेन हम इसको समझते हैं क्यों ऐसा होगा। हमें पता है जब पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होती है, तो इस आइसोस्केलस ट्रायंगल्स में वन साइड सम बेस हमें गिवन है, एंड टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एक्स प्लस एक्स, बिकॉज हमने एक साइड एक्स सपोज की तो दूसरी साइड भी एक्स होगी, बिकॉज दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में टू साइड्स ऑलवेज इक्वल होती है। तो एक्स प्लस एक्स, दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, एंड बोथ आर विल बी इक्वल बिकॉज दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, एंड थर्ड इज बेस, थर्ड साइड इज बेस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस एक्स एंड बेस इज ऑल्सो गिवन, लेट सी वट इज बेस, बेस इज 4/3, राइट डाउन 4/3 इक्वल टू 62/15, दिस इज गिवन पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्टली शिफ्ट एक्स प्लस एक्स 2x, राइट, एक्स और एक्स को ऐड करेंगे कितना फाइंड होगा, 2x फाइंड होगा। देखो एक्स और एक्स को हम फाइंड ऐड करेंगे तो कितना फाइंड होगा, 2x होगा, 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15, राइट।
अब हम क्या करेंगे, दिस होल क्वांटिटी को, दिस प्लस 4/3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड. सो 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, राइट. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? बिकॉज ये प्लस 4/3 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 4/3 राइट आफ्टर गो राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड जाके इसकी जो साइन है चेंज हो जाएंगे, प्लस 4/3 कन्वर्ट इनटू माइनस 4/3. नाउ सॉल्व इट. 2x इक्वल्स टू 15 and 3 LCM 15, राइट. देखो यहाँ पर मैं करके भी खा रही हूँ, 15 और 3 का LCM 3 and 15. 3 1 जो 3 3 5 जो 15, 5 1 जो 5 5 1 जो 5 and 1 1 1 जो 1 1. तो 3 5 जो 15, 3 into 5 दैट मीन्स 15. तो देयर फोर LCM ऑफ 3 and 15 विल बी 15, राइट. सी दिस LCM है ना. आई बस मुझे तो अब देखो 15 के टेबल्स में 15 कम्स 1 times of 1 into 62 माइनस 3 table 15 कम्स 5 times of 5 into 4, राइट. नेक्स्ट स्टेप में 2x इक्वल टू 62 1 into 62 62, राइट. सी 62 माइनस 5 4 जो 20 5 4 जो 20 अपॉन 15. यहाँ तक बात क्लियर है? देखो अगेन देखो, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, है ना. तो नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे 2x इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो, बताओ मुझे आंसर क्या होगा. 2x इक्वल्स टू 42 अपॉन 15, है ना. सो नेक्स्ट लाइन में इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर देता, अदरवाइज पेज टर्न पर करना पड़ेगा, है ना. पेज टर्न करने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हम इसको यहीं पर करते हैं, ठीक है. ये देखो, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. अब देखो 5 के टेबल में 5 से तो नहीं होगा, 3 से होगा. 3 5 जो 15, 3 1 जो 3, 3 4 जो 12. नाउ दिस गिव्स 14 अपॉन 5, देयर फोर एक्स इक्वल टू 14 अपॉन 5. 5 है ना, 5 into 2 होगा. तो 14 अपॉन 10, दैट मीन्स 14 अपॉन 10. सो 2 table 7 times 2 table 5 times, तो x equals to 7.5. देयरफॉर जो टू साइड्स रिमेनिंग बच गई हैं, जो टू साइड्स इक्वल हैं x और x, है ना, थर्ड साइड तो बेस है, बट वो टू साइड्स इक्वल हैं, उनकी वैल्यूज क्या आई है, x equals to 7/5. तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, देयरफॉर Therefore, two equal sides will be 7/5 each. ठीक है, each means प्रत्येक means क्या होगी, 7.5 होगी. यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है.